एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइस, इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट किया था फंक्शनल ग्रुप क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। अगर हम लोगों को आगे देखना है कॉमन नेम एंड द आईपीएससी सिस्टम, तो वो अगर समझना है तो उसके पहले हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक जो कि अल्केन प्रोपेन, ठीक है, अल्केन के बारे में एंड द अल्काइंस के बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोगों को कॉमन नेम एंड द आईपीएससी नेम लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ठीक है, सो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स में भी। ठीक है, इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स, वहाँ पर भी हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग को आईपीएससी एंड कॉमन नेम देखना है तो ये बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देन जाएंगे हम लोग आईपीएससी एंड द कॉमन नेम्स की तरफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली आज का जो वीडियो है हमारा वो है हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। ठीक है, सो इसको मेनली हम लोग टॉपिक, मेन टॉपिक क्या है हमारा, डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सो डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहला कौन आता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देन हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज द सैचुरेटेड एंड सेकेंड वन इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड में मेनली आता है अल्केन एंड अनसैचुरेटेड में आता है अल्कीन एंड अल्काइन्स। ठीक है, तो हमें इस वीडियो में इन सब की क्या करनी है, स्टडी करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स, तो इसकी अगर आप लोगों किसी ने डेफिनेशन पूछी तो आप लोग क्या बताओगे, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ओनली द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। क्या कंटेन करता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स को ही ये क्या करता है, कंटेन करने का काम करता है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन प्रेजेंट होगा, कार्बन होगा, नहीं तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अब हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड इनटू सैचुरेटेड एंड द अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में। सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, तो अब सैचुरेटेड कंपाउंड में देखते हैं कि क्या होगा। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्या कंटेन करता है ये, कार्बन सिंगल बॉन्ड, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन का सिंगल बॉन्ड, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन। क्या बोलते हैं हम लोग इसी को ही, अल्केन। ठीक है, सो दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ओनली कार्बन सिंगल बॉन्ड आर नोन एज द सैचुरेटेड कंपाउंड, और इस कैटेगरी में कौन आता है, अल्केन, जिसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, ठीक है, सो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, सो द जनरल फॉर्मूला ऑफ द अल्केन इज CnNH4
एच टू एन प्लस टू, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या है एल्केन का, सी एन एच टू एन प्लस टू, एंड हम सफिक्स क्या लगाते हैं, सफिक्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं ए एन ई, ठीक है, जो कि लास्ट में लगेगा कार्बन एटम के, तो वहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं ए एन ई, जो कि हम लोग सफिक्स लेते हैं, ठीक है। तो गाइज हम लोगों ने देखा था सबसे पहले डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देख रहे हैं, उसमें हम लोगों ने देखा हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या होता है, दिस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली द कार्बन एंड द हाइड्रोजन एटम्स ओनली, ठीक है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन एंड द हाइड्रोजन एटम, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ही कंटेन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। देन हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड इन टू टू टाइप, दे आर क्लासिफाइड इन टू टू टाइप, दैट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है, अल्केन, मतलब यहाँ पे क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग द कार्बन एटम, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है कार्बन एटम का सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें आता है अल्केन। अल्केन आता है तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, सी एन एच टू एन प्लस टू एंड द सफिक्स इज ए एन ई, सफिक्स क्या है इसका ए एन ई, ठीक है। चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसके बाद हम लोग इस फॉर्मूला के हिसाब से इथेन मीथेन प्रोपेन, हम लोग अगर एक नंबर ऑफ कार्बन आइटम है तो क्या बोलेंगे, दो है तो क्या बोलेंगे, ये वाला डिस्कस करते हैं। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो। तो चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हम लोगों ने देखा था कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है कि इसका जनरल फॉर्मूला है सी एन एच टू एन प्लस टू, ठीक है। तो हम लोगों ने ये 10th क्लास में भी पढ़ा है कि एक्चुअल में अल्केन अल्किन एंड अल्काइन होता क्या है, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग और डिटेल में देखेंगे क्योंकि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो सी एन एच टू एन प्लस टू, ठीक है, अब कंसीडर करो n इज इक्वल टू क्या है हमारा 1 है, मतलब एक कार्बन क्या है प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या लेंगे सी वन, एच कितना होगा 2 इंटू वन प्लस टू, तो क्या होगा सी वन एच कितना होता है 4, इसको हम लोग क्या बोलेंगे उसका मॉलिकुलर फॉर्म, ठीक है, ये क्या है मॉलिकुलर फॉर्म सी एच फोर, इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला दैट इज सी एच फोर, ठीक है, और अगर ऐसा है तो डैश लाइन फॉर्मूला, ये क्या है इसका डैश लाइन फॉर्मूला, ठीक है। सो n इज इक्वल टू अगर 1 है तो हम लोग उस n की जगह पे क्या पुट करेंगे 1, देन हम लोगों को क्या मिलेगा सी एच फोर, सो मॉलिक्युलर फॉर्मूला इज इक्वल टू सी एच फोर, एंड डैश लाइन फॉर्मूला कितना आता है उसका कार्बन और 4 उसको अटैचेस होंगे हाइड्रोजन। सो अगर ऐसा है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं मीथेन, क्या बोलते हैं मीथेन, ठीक है, अगर एक कार्बन है एंड उसको 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं मीथेन। देन अगर हमारा n इज इक्वल टू कितना है 2 है तो सी भी कितना हो जाएगा सी टू एच सिक्स, ये क्या हो गया हमारा मॉलिक्युलर फॉर्मूला, मॉलिक्युलर फॉर्मूला, ठीक है। सो स्ट्रक्चरल या फिर डैश लाइन फॉर्मूला हमारा क्या होगा ऐसा, ठीक है। सो अगर सी टू एच सिक्स है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर 2 कार्बन है एंड 6 हाइड्रोजन है तो हम लोग इसको बोलते हैं ईथेन, क्या बोलते हैं इथेन, ठीक है। उसके बाद अगर n इज इक्वल टू क्या है 3 है तो सी थ्री एच कितना हो जाएगा 8, आपको इस फॉर्मूला में पुट करते जाना है, ठीक है। अगर आप लोग को और एक बार बता देती हूँ n हमारा कितना बोला है यहाँ पे 3, ठीक है, सो सी थ्री एच 2 इंटू 3 प्लस 2, तो सी थ्री एच कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 8, तो सी थ्री एच कितना होता है 8 होता है, ठीक है। ये आप लोगों को अगर पता रहा तो आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, कहीं पे भी फिलअप कर सकते हो उसको, ठीक है। सो सी थ्री एच कितना हो गया 8, सो अगर सी थ्री एच 8 है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं प्रोपेन, क्या बोलते हैं प्रोपेन, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला या फिर डैश लाइन फॉर्मूला कैसे होगा ऐसा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन,
ठीक है, तो कितना हो गया 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अगर CH4 है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मीथेन, क्या बोलते हैं, मीथेन। C2H कितना है, 6 है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इथेन। ठीक है, C3H कितना है, 8 है, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रोपेन। C4H10 है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। C5H कितना है, 12 है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पेंटेन। C6H अगर 14 है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हेक्सेन। C7H अगर हमारा 16 है तो हम लोग उसको बोलते हैं हेप्टेन या फिर सेप्टेन, दोनों लिख सकते हो, हेप्टेन या फिर सेप्टेन। C8 है, H कितना है हमारा, 18 है, तो हम लोग उसको लिखेंगे ऑक्टेन। C9H अगर हमारा है 20, सुनोनेन। एंड C10H22, दैट इज द डेकन। ठीक है, सो वैसे देखा जाए तो इसका मेन रूट कैसे होता है, अगर एक कार्बन है तो हम लोग उसको बोलते हैं मिथ, दो है तो इथ, ठीक है, प्रो, तीन है तो, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नोन और दस है तो डेक। ठीक है, ये जो है ये सारे क्या है गाइस, सफिक्सेस है। ठीक है, जो कि आप लोगों को अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो अप्लाई करना है, डबल बॉन्ड है तो ENE अप्लाई करूंगे, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE अप्लाई करूंगे। सो अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो हम लोग उसको बोलते हैं मीथ, दो है तो ईथ, थ्री है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पाँच है तो पेंट, छः है तो हेक्स, सात है तो हेप्टा या सेप्टा, सात है तो ऑक्ट, नाइन है तो यहाँ पे नौ, ठीक है, और 10 है तो यहाँ पे डेक। ठीक है, तो 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, ठीक है, या फिर ऑक्ट। क्लियर, इस वजह से आप लोगों को ये पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये निकालते भी आना चाहिए। क्लियर हो गया, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन जाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। सो गाइज, अभी हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। सो इन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होंगी, सो दीज are the hydrocarbons, these are the hydrocarbons which contain carbon double bond or carbon triple bond। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, compound are called as unsaturated hydrocarbons, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, unsaturated hydrocarbon, जिसमें क्या होंगे, double और triple bond दोनों के दोनों क्या होंगे, present होंगे। अब देखो, they are classified into two type, they are classified into two types। तो पहला टाइप क्या है, अल्किन में, एंड सेकंड क्या है, अल्काइन्स में।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अल्कीन के बारे में। किसके बारे में? अल्कीन के बारे में। ठीक है, तो होता क्या है? सो देखो, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ओनली। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओनली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन आइटम के क्या होंगे? डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, सो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। एंड सफिक्सेस हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? हम लोग सफिक्स लगाते हैं इसको ene। क्या लगाते हैं? ene। ठीक है, अब जनरल फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या प्रोनाउंस करेंगे, मतलब अगर सफिक्सेस हम लोग अप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो अगर n इज इक्वल टू हमारा क्या है? 1 है। सो अगर n इज इक्वल टू 1 है तो C इज इक्वल टू क्या होगा? 1। H इज इक्वल टू 2 × 1। तो अगर C 1 है तो H कितना होता है? 2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिथेन ही बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग कभी भी मिथेन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। किसमें? सिर्फ कार्बन आइटम अगर 1 है तो हम लोग इसको भी क्या बोलते हैं? मिथेन ही बोलते हैं। बट अगर N इज इक्वल टू कितना है? 2 है। तो C इज इक्वल टू 2, H इज इक्वल टू 2 × 2। तो C 2, H कितना हो जाएगा? 4। इसको हम लोग बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं? इथेन, जो कि इसका फॉर्मूला होगा या फिर डैश लाइन फॉर्मूला होगा ऐसा। क्या होगा? C डबल बॉन्ड CHH। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, तो मैंने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन दे दिए। ठीक है, सो अब उसके बाद अगर हमारा C इज इक्वल टू क्या है? 3 है। तो यहाँ पे C3H इज इक्वल टू कितना होने वाला है? देखो, CnH2n के फॉर्मूला के हिसाब से C3H 2 × 3, दैट इज़ अ C3H कितना हो जाएगा? 6। सो C3H6। सी अगर 4 है तो C4H8। ठीक है, उसके बाद सी अगर 5 है तो C5H कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, चलो, तो 2 रहे कार्बन तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इथिन। 3 रहे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्रोपीन। लास्ट में देखो क्या लग रहा है, प्रोपीन। ठीक है, उसके बाद 4 है तो ब्यूटीन, 5 है तो पेंटीन। C इज इक्वल टू 6, C अगर 6 है तो H कितना हो जाएगा? 12, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? हेक्सीन। ठीक है, हेक्सीन। उसके बाद अगर C इज इक्वल टू 7 है तो C7H कितना हो जाएगा? 14। सो यहाँ पे सेप्टीन। उसके बाद C इज इक्वल टू 8, मतलब C8H कितना हो जाएगा यहाँ पे? 16। सो यहाँ पे क्या लगने वाला है? ऑक्टीन। उसके बाद C अगर 9 है तो H कितना हो जाएगा? 18। दैट इज अ C9H18 को हम लोग बोलते हैं नोनीन। क्या बोलते हैं? नोनीन। और अगर C इज इक्वल टू 10 है तो हमारा C10H कितना हो जाएगा? 20। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डेकिन। समझा? सो अगर एक कार्बन है तो हम लोग उसको यहाँ पे भी मीथेन ही बोलते हैं, बट 2 है तो इथीन, 3 है तो प्रोपीन, 4 है तो ब्यूटीन, 5 है तो पेंटीन, 6 है तो हेक्सीन, 7 है तो सेप्टीन, 8 है तो ऑक्टीन, 9 है तो नोनीन, 10 है तो डेकिन। ठीक है, और फॉर्मूला किसके हिसाब से हम लोगों ने ये निकाला है? CnH2n के हिसाब से। किसके हिसाब से? CnH2n के हिसाब से। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या देखा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में 2 बॉन्ड्स होते हैं, मतलब क्या? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया अल्किन के बारे में, जो कि क्या कंटेन करता है? डबल बॉन्ड। ठीक है, सो डबल बॉन्ड कंटेन करने के कारण इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, एंड द सफिक्स हम लोग क्या लगाते हैं? ene। सो n इज इक्वल टू अगर 1 है तो मीथेन। CH2 डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लोगों ने उसको मीथेन ही बोला है। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो C2H कितना हो जाता है? 4, मतलब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इथीन, डबल बॉन्ड है। C अगर 3 है तो H कितना होगा? 6, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपीन। C अगर 4 है तो H कितना हो जाएगा? 8, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ब्यूटीन।
डबल बॉन्ड है इसके कारण हम लोग वैसा प्रोनाउंस कर रहे हैं। C5H10 पेंटिन, C6H12 हेक्सीन, C7H14 सेप्टीन, C8H16 ऑक्टिन, नोनिन एंड द डेकिन। ठीक है, तो ये किसके बारे में था? अल्किन के बारे में। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाले, देन देखते हैं हम लोग अल्काइंस के बारे में। सो गाइज अभी नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्काइंस, अल्काइंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसके डेफिनेशन क्या होंगी। सो दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्या कंटेन करेंगे ये? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, सो इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला इज अ सी एन एच टू एन माइनस टू। क्या होता है? CnH2n-2। एंड सफिक्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या सफिक्स लगाते हैं हम लोग? YnE। ठीक है, क्या सफिक्स लगाते हैं? YnE। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अगर इसको n नंबर ऑफ कार्बन एटम है, n इज इक्वल टू 1 है, सो n इज इक्वल टू 1 मतलब यहाँ पे भी 1, 2, 1-2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C1H कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, सो इसको हम लोग ऑब्वियस से क्या बोलेंगे? मिथेन ही बोलेंगे। जब तक कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मिथेन। इसलिए हम लोग एन इज इक्वल टू 1 लेते ही नहीं है। ठीक है, किस में? अल्किन एंड अल्काइन में। हम लोग स्टार्ट करते हैं एन इज इक्वल टू 2 से। सो सी टू एच 2 × 2 − 2, सो सी टू एच 2 × 2 − 4 − 2, दैट इज अ सी टू एच कितना हो जाएगा? 2। तो स्ट्रक्चर कैसे आएगा इसका? इस वजह से ट्रिपल बॉन्ड सी एच एंड द एच। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? C2H2 को इथाइन। दो अगर कार्बन एटम है तो हम लोग जानते हैं हम लोग उसको क्या लगाते हैं? इथ ग्रुप, इथ बोलते हैं। ठीक है, दो कार्बन है तो सो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लगाएंगे? YnE, सो इथाइन। उसके बाद n इज इक्वल टू अगर 3 है तो n इज इक्वल टू 3 है तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3H2 × 3 − 2, तो C3H6 − 2, तो C3H कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4। ठीक है, चलो तो इसका स्ट्रक्चर निकाल के सॉरी देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक है, सो कितने हो गए? 4 कार्बन एंड 3 कितने हो गए यहाँ पे? कार्बन एंड 4 कितने हो गए यहाँ पे? हाइड्रोजन। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? 3 अगर कार्बन है तो हम लोग लगाते हैं प्रोप, और सफिक्स हम लोग क्या लगाते हैं? YnE। सो प्रोपाइन क्या लगाएंगे? YnE। ठीक है, हाँ। उसके बाद अगर n इज इक्वल टू कितना है हमारा? 4 है तो ऑब्वियसली C4 होगा। H कितना होने वाला है? देखो यहाँ पे फिर से हम लोग को वही चीज़ें करनी पड़ेंगी, पुट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बाद में ऐसे निकाल भी सकते हैं। ठीक है, C4H कितना हो जाएगा? 6। सो ऑब्वियसली C4H6 है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ब्यूटाइन। ठीक है, और स्ट्रक्चर क्या निकालेंगे इसका? CH3CH। ठीक है, CH यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन हट जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे लगेगा CH। ठीक है, उसके बाद N इज इक्वल टू 5, दैट इज अ C5H कितना हो जाएगा? 8। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेंटाइन, YnE। ठीक है, N इज इक्वल टू 6 है तो C कितना हो जाएगा? 6। H कितना हो जाएगा? 10। देन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेक्साइन। देन n इज इक्वल टू 7, C7H कितना हो जाएगा हमारा? 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सेप्टाइन। n इज इक्वल टू अगर 8 है तो C इज इक्वल टू 8, H इज इक्वल टू कितना आएगा? 14। तो कितना होगा यहाँ पे? ऑक्टाइन। देन उसके बाद 9 मतलब C9, H कितना हो जाएगा? 16, दैट इज अ नोनाइन।
इन. उसके बाद एन इज इक्वल टू 10, सी इज इक्वल टू 10, एच इज इक्वल टू 18, दैट इज अ डे का इन. डेकाइन, ठीक है, डेक वाई इन. इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको लिखते हैं, मतलब हम लोग सफिक्स लास्ट में लगाते हैं. अगर दो कार्बन है तो हम लोग जानते हैं उसको इथ बोलते हैं. सोबे से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, सफिक्स वाई एन ई. तीन है तो हम लोग प्रोप बोलते हैं, ऑब्वियसली हम लोग को सफिक्स क्या लगाना होगा, वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई. उसी वजह से हम लोगों ने सबको सफिक्सेस अप्लाई किए हैं. ठीक है, तो गाइस हम लोगों ने देखा था अल्काइंस. अल्काइंस दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. क्या होता है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. देन जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2. सफिक्सेस क्या लगाते हैं हम लोग, वाई एन ई. ठीक है, और इस फॉर्मूला के हिसाब से आप लोगों को अगर बोला गया कि इतने नंबर ऑफ कार्बन है तो आप लोग किस वजह से फाइंड आउट करोगे, तो इस वजह से आप लोगों को फाइंड आउट कर सकते हो इजीली. और आप लोगों को ये सीरीज पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको हम लोग होमोलॉगस सीरीज भी बोलते हैं. ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे क्या बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज. तो ये पता होना हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये किसके बारे में था, अल्काइंस था. हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड इन टू टू क्लासेस. पहला था सबसे पहले तो सैचुरेटेड का, दूसरा है अनसैचुरेटेड का. सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. और आप लोगों को ये चीज़ें याद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है IUPAC के हिसाब से. ठीक है, क्योंकि इसके बाद सीधा हम लोग स्टार्ट करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर. ठीक है, तो उसमें वो डिटेल में देखना है, तो इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना इंपॉर्टेंट है कि उसका जनरल फॉर्मूला क्या था, किसको क्या बोला जाता है, ये सारी चीज़ें. ठीक है, अभी इसके बाद आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो. देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, एक्चुअल में ये अल्काइल ग्रुप क्या है. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आप लोगों को अल्काइल ग्रुप का प्रोनाउंसिएशन होगा, या फिर आप लोगों को बहुत बार आप लोग सुनोगे कि अल्काइल ग्रुप एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है, सो उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अल्काइल ग्रुप, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं अल्किल ग्रुप. तो इसमें होता क्या है, अल्केन में अगर आप लोग देखोगे तो वहां पे क्या होता है, CnH2n+2 होता है. ठीक है, अल्केन में क्या होता है, CnH2n+2. अब यहाँ पे क्या होता है, अल्केन से एक कार्बन एटम क्या होता है, हाइड्रोजन एटम क्या होता है, यहाँ पे कम होता है. इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1. क्या होता है, CnH2n+1. सो अल्केन से जहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम क्या होता है, कम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप. कौन सा ग्रुप, अल्काइल ग्रुप. और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे डिनोट करते हैं किससे, R से. ठीक है, सो जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, CnH2n+1. सो इसीलिए n इज इक्वल टू अगर 1 है तो उसे कितना होगा, 1H1+1. तो यहाँ पे क्या आएगा, C1H कितना हो जाएगा, 3. ठीक है, उसके बाद अगर n इज इक्वल टू 2 है तो देखो आप लोग, अल्केन में हम लोग क्या लिखते थे, CH4. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन. ठीक है, क्या बोलते हैं, मीथेन. बट यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन क्या है, अल्केन से एक हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल. अल्किल ग्रुप को सफिक्स क्या है, YL. कौन सा है, YL. सो ANE को रिप्लेस करते हुए हम लोग क्या लगाते हैं वहाँ पे, YL ग्रुप. ANE को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हुए क्या लगाते हैं, YL. सो अगर एक कार्बन है तो वहाँ पे क्या रहता है, मीथेन. ठीक है, सो इसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे, और यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, YL. समझा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल. क्या बोलते हैं, मिथाइल. मतलब ही कौन सा ग्रुप, अल्किल ग्रुप, इंडिकेटेड बाय द R ग्रुप. ठीक है, देन n इज इक्वल टू अगर 2 है तो C2H2+1C2H कितना हो जाएगा, 5. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल. क्या बोलते हैं, इथाइल. ठीक है, तो इस वे से हम लोग जितना भी पुट करते जाएंगे उसके हिसाब से निकाल सकते हैं. तो देखो हम लोग अगर सीरीज लिख लेते हैं तो इजीली हम लोगों को ध्यान में आ जाता है. देखो तो ये हुई अल्केन की सीरीज, दैट इज CH4 C2H6. ये किसकी है, अल्केन की. C3H8 C4H10 C5H12 C6H14
C7H16, C8H18, C9H20 एंड C10H कितना होता है 22। ठीक है, वैसे ही अल्काइल में क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन कम होते जाता है। ये है अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे होता है CH3, C2H5, C3H7, C4, यहाँ पे कितना होगा H9, यहाँ पे होगा C5H11। एक एक हाइड्रोजन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ पे C6H कितना है 14 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे C कितना है 7 है, H कितना हो जाएगा अब यहाँ पे 15, C कितना है 8 है, H यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, C कितना है 9 है, H यहाँ पे कितना हो जाएगा 19, C10 है तो H कितना हो जाएगा 21। इस वजह से एक एक क्या रहेगा, कम कम होते हुए जाएगा हाइड्रोजन एज कम्पेयर टू अल्किन के, अल्केन के हिसाब से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल इथाइल, क्योंकि हम लोग एन ई को रिप्लेस करके क्या लगाते हैं वाई एल। उसके बाद प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल सेप्टाइल ऑक्टाइल नोनाइल एंड डेकाइल। ठीक है, सो इस वजह से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। और अल्किल ग्रुप को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये है अल्केन का, और उससे कम एक हाइड्रोजन रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1। क्या है, CnH2n+1, और ये किसका है अल्केन का, किसका अल्केन का। ठीक है गाइज, सो आप लोगों को आज जितना भी पढ़ा है वो बेसिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉमन नेम्स एंड द IUPAC। ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर वो देखना अच्छे से अगर आप लोगों को लगता है कि वो समझ में आनी चाहिए, लेकिन उसके पहले आप लोगों को ये बेसिक पता होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर CH3 है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, C2H5 है तो अगर हम लोग उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी और कुछ अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह या फिर जो कोई भी डाउट्स होंगे, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कीजिए, हम लोग ज़रूर सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सो अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।